हेलो फ्रेंड्स, हम आदि भक्ति से आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के लिए। और पिछले जो क्लास में हमने पढ़ा था वो हमारा टॉपिक बन रहा था और स्टिचेस के जो भी जितने भी टाइप थे हमने सभी स्टिचेस कंप्लीट कर लिए थे, क्लियर थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आज आर्ग्यूमेंट्स का, जो फोर एंड अगेंस्ट होता है। आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे फोर और अगेंस्ट ए टॉपिक। आज का टॉपिक क्या होगा? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वर्णन और आर्ग्यूमेंट्स। फोर एंड अगेंस्ट टॉपिक एंड AGAIMSE अगेंस्ट ए टॉपिक। कोई भी जैसे शीर्षक दे दिया जाएगा उस पे तर्क करते हुए, उस पे पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए, पक्ष और विपक्ष में क्या करना है, तर्क देते हुए उसका क्या करना है, वर्णन करना है। शीर्षक किसी भी एक शीर्षक पे पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए उसका वर्णन करना, ये होगा आज आपका एक टॉपिक। क्लियर है स्टूडेंट्स? डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ए टॉपिक। चलो क्लियर है, आगे हम इसको देखते हैं। अब इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। चलिए, हमको करना क्या है, इसके अंतर्गत किसी टॉपिक यानी कि शीर्षक के फोर यानी कि पक्ष और अगेंस्ट यानी विपक्ष में आर्ग्यूमेंट यानी तर्क देते हुए डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन करना होता है। भाई और कोई बड़ी चीज इसमें नहीं होती, बस करना क्या होता है, किसी टॉपिक के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए, पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए वर्णन करना होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट का, ये आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, क्या ये होता है। ठीक है, अब इसमें सत्याधारित तथ्याधारित प्रमाणिक को सटीक होने चाहिए, पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज arguments should be truthful, okay, factual, arguments should be truthful, factual or evidential, यानी with evidence
ओके एक्चुअल विल प्रूफ्स एंड क्लियर क्लियर है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ आपको कि जो ये तर्क होते हैं ना, तर्क सत्याधारित सत्याधारित तथ्याधारित प्रामाणिक प्रमाणिक तथा सटीक या स्पष्ट होने चाहिए। आप जो भी तर्क दे चाहे पक्ष में दे चाहे विपक्ष में दे, सब इन चीजों पे आधारित होने चाहिए। उसमें सत्य होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए और स्पष्ट तौर पे साक्षात आपको झलक दिखाई देनी चाहिए। ये चीजें बहुत ही जरूरी होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब जैसे आप मान लीजिए आप फोर, ठीक है, फोर ए टॉपिक, जैसे आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फोर टॉपिक, यानी कि यहां मैं कहूँ शीर्षक के पक्ष में, शीर्षक के पक्ष में जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो शीर्षक के पक्ष में जब भी आप लिखते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना होता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है तथ्य प्रमाण आंकड़े समाचार पत्र रिपोर्ट्स आदि का प्रयोग करना चाहिए। मतलब क्या होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, ठीक है, इसमें प्रमाण होने चाहिए यानी एविडेंस एविडेंसेस या प्रूफ्स एविडेंसेस, यानी किसमें प्रमाण होना चाहिए, डेटा डेटा यानी कि इसमें आंकड़े भी होने चाहिए, फैक्ट्स एविडेंस डेटा, ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर समाचार पत्र रिपोर्ट्स आदि की सहायता ली जानी चाहिए या फिर आदि का प्रयोग करना चाहिए, आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब ये तो हो गया फॉर ए टॉपिक, आप अगेंस्ट ए टॉपिक जा रहे हैं तो भी आपको यही सारी चीजें जितने भी संभव हो सके, तथ्य प्रमाण आंकड़े समाचार रिपोर्ट्स स्थानीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी आंकड़े हो सकते हैं आप वो सारे उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आप हैं क्या अगेंस्ट अ टॉपिक, अगेंस्ट अ टॉपिक यानी कि शीर्षक के विपक्ष में या विरुद्ध दोनों में से आप कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप शीर्षक के विपक्ष में जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ऑल पॉसिबल फैक्ट्स, ऑल
इक्वल एक्स, यानी कि सभी संभव तथ्य आपके पास होने चाहिए, एविडेंसेस आपके पास होने चाहिए, यानी कि प्रमाण आपके पास होने चाहिए, डेटा यानी कि आंकड़े। अब आंकड़े जितने भी हो सकते हैं, नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, ऑब्टेंड फ्रॉम लोकल। जितने भी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, स्थानीय संस्थाएं हैं उन सबके द्वारा प्राप्त आंकड़ों का आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए, समाचार पत्र और रिपोर्ट्स, ठीक है। देंगे स्टूडेंट्स, पहली चीज तो उसकी डेफिनेशन की, इसमें करना क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी टॉपिक के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए वर्णन करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, किसी भी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में हम तर्क देते हुए उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट जो है आपका, जो बहुत तर्क वितर्क है वो कैसा होना चाहिए, तर्क आपका सत्याधारित, तथ्याधारित, प्रमाणिक और सटीक स्पष्ट होना चाहिए। आपका जो भी तर्क आप दे रहे हैं वो सत्य पे आधारित हो, तथ्य उसमें हो, उसमें प्रमाण भी हो, उसमें स्पष्ट और आप नजर आती हो, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फोर और अगेंस्ट दोनों में लगभग सेम सेम सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोर में बोल रहे चाहे अगेंस्ट में, आपको तथ्य भी देखने हैं, प्रमाण देने हैं, डेटा देने हैं, उसके जो पेपर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो वो देनी है, रिपोर्ट जो भी हो सारी चीज़ें उपलब्ध करते हुए, इन सबका प्रयोग करते हुए आपको ये चीज़ें लिखनी होती है, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब हम इसको लिखना प्रारंभ करते हैं, इसके लिए हमें क्वेश्चन देते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम कर देते हैं और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद इसको आंसर भी करेंगे यहाँ पे। इसको अब कर दिया, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं।
what you want to say. What you want to say. For against. आप इसके पक्ष और विपक्ष में क्या कहना चाहते हैं? The topic mobiles are useful for the students. Are useful for the students. अब कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल क्या है, उपयोगी है, और कुछ ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल उपयोगी तो है लेकिन उपयोगी होने के साथ साथ वो उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदायक भी है. एंड आई एग्री विद दिस फैक्ट कि वो फायदेमंद जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदायक भी है. क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भैया इसका टॉपिक तो क्या हो गया, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स. क्या हो गया? मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स. तो अब यहाँ पे जो 50 वर्ड्स बता रखा है तो आप क्या सोचेंगे कि सर 50 वर्ड्स का मतलब 5 लाइंस. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन 50 वर्ड्स 4 के लिए होंगे और वही 50 वर्ड्स यानी कि 5 लाइंस आपको अगेंस्ट में लिखनी है. तो इस प्रकार से ये टोटल कितने वर्ड्स हो जाते हैं बच्चों? 100 वर्ड्स हो जाते हैं दोस्तों. ये कितने हो जाते हैं? 100 वर्ड्स. तो लिखना 100 में ही है लेकिन 50 हमें पक्ष में देने हैं, 50 हमें विपक्ष में देने हैं. ये ठीक है. चलिए तो ये वो आपका क्वेश्चन. अब हम इसका आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका टॉपिक. मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर Mobiles are useful for the students. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मैं 4 का लिख रहा हूँ मैं पक्ष में लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ? F O R. ठीक है. Mobiles are useful for the students. तो सबसे पहले 4 कर रहा है पक्ष में बोल रहा है, जिसने पहले कह दिया कि मोबाइल आर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स. ठीक है, कैसे है भैया? मोबाइल्स Always keep students in touch with
विद फैमिली एंड स्कूल, यानी कि भैया मोबाइल हमारे पास है, हम बाई द चांस मान लीजिए हॉस्टल वगैरह में रहे हैं तो उसके द्वारा हम घर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, घर पे है कोई काम है स्कूल से रिलेटेड तो हम स्कूल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा टच में रखता है हमारे परिवार और हमारे स्कूल दोनों से हमें टच में बनाए रखता है कौन, मोबाइल। ठीक है, इफ आ स्टूडेंट्स, इफ आ स्टूडेंट मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ये मान लीजिए कि एक विद्यार्थी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अगर एक्सीडेंट होता है तो उस केस में इंफॉर्मेशन कैन इजीली बी कन्वेड, कैन इमीडिएटली, अगर ऐसा होता है तो उसके जो एक्सीडेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो तुरंत परिवार के पास पहुंच जाती है, और जैसे ही ये पहुंच जाती है तो उससे क्या हो सकता है, जो जरूरी हेल्प है वो रेंडर की जा सकती है। एंड जो जरूरी हेल्प है, नेसेसरी हेल्प है, टाइमली हेल्प कैन बी रेंडर्ड, तो समय रहते हुए जो भी उसके लिए उपाय होने चाहिए वो तुरंत कर पाते हैं, क्योंकि तुरंत उसकी जानकारी मिल जाती है, और जैसे ही जानकारी मिलती है तो तुरंत उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है, जो भी हेल्प हो सकती है वो उसको मिल जाती है। क्लियर है कि नहीं है? इसके साथ साथ मोबाइल्स हैव एजुकेटिव एजुकेटिंग एंड एंटरटेनिंग वैल्यू, एंटरटेनिंग वैल्यू टू कि मोबाइल्स जो होते हैं उनमें आजकल एजुकेशन से रिलेटेड और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि YouTube पे वीडियोज वगैरह होते हैं वो वहाँ से हम किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी जानकारी दे सकते हैं, इंटरनेट पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वो सब मोबाइल पे थ्रू हम कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये है इसके फायदे, तो इसलिए हम कह सकते हैं मोबाइल आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, Mobiles are useful for the students. ठीक है, useful for the students, विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी होते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया पक्ष में, ये किस में था स्टूडेंट्स, ये पक्ष में था।
अब हम जो लिखने वाले हैं वो हम इसके विपक्ष में लिखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके अगेंस्ट, ए जी ए आई एन एस टी। इसमें थोड़ा सा क्या है कि हम कैपिटल में लिख देंगे फोर को अगेंस्ट, इससे क्या थोड़ा सा इनका जो नोटिस करना होता है वो नोटिस ऑटोमेटिक नोटिस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो क्या लिखी जाएगी यहाँ पे, मोबाइल आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज यहाँ क्या लिखी जाएगी कि विद्यार्थियों के लिए मोबाइल्स उपयोगी नहीं है। अब नहीं है तो ठीक है भाई, लेकिन क्यों नहीं है, ठीक है। मोबाइल्स डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन, मोबाइल्स डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज। ये फैक्ट चीज है भैया कि मोबाइल जो है बच्चों का पढ़ाई से ध्यान भटकाता है, डिस्ट्रैक्ट करना यानी ध्यान भटकाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोबाइल बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि मोबाइल विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से हटाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने इसका यूज क्लासरूम में खासतौर पे क्या किया है, प्रतिबंधित किया है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज प्रोहिबिटेड इट्स यूज इन क्लासरूम। इसका जो भी यूज होता है क्लासरूम में उसको क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट्स कोई भी क्लासरूम में मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मोबाइल रिंग्स ड्यूरिंग टीचिंग पोजेस प्रॉब्लम। जैसे ही मतलब पढ़ाते वक्त अगर मोबाइल की रिंग बजती है तो सबका ध्यान भटक जाता है, सभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। क्लियर है कि नहीं है। अलावा स्टूडेंट्स एंटरटेन्ड स्टूडेंट है वो इसका यूज लेने में मतलब उपयोग जो है पॉजिटिव करने के बजाय क्या करते हैं, एंटरटेनिंग में ज्यादा इसका यूज लेते हैं। दिस इक्विपमेंट यानी एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा स्टूडेंट्स पढ़ना दूर बल्कि पढ़ने के बजाय ज़्यादा आनंद लेने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं। अलावा मोबाइल्स
रिसोर्ट, मोबाइल में रिसोर्ट टू क्राइम, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल से क्या बढ़ते हैं या अपराध बढ़ते हैं, अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। किससे होती है भैया? मोबाइल से, मोबाइल का यूज करने से। और सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक बर्डन होती है, अननेसेसरी इकोनॉमिक बर्डन होती है पेरेंट्स पे। दीज आर अननेसेसरी, अननेसेसरी। इकोनॉमिक बर्डन ऑन द पेरेंट्स, अभिभावक लोग होते हैं ना, उनके ये एक अनावश्यक रूप का, एक अनावश्यक रूप का आर्थिक बोझ होता है। ठीक है, माता पिता पर पे एक बेवजह का एक इकोनॉमिक बर्डन होता है। क्लियर है? इसलिए हम कह सकते हैं मोबाइल आर नॉट यूजफुल। दस वी कैन से मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए मोबाइल्स उपयोगी नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हुआ आपका एक फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। ये डिस्क्रिप्शन हो गया है एक टॉपिक के पक्ष और विपक्ष में, जो हमने अभी यहाँ पे आपके सामने क्लियर किया है। ठीक है, तो एक बार हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है कि मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए मोबाइल उपयोगी है। इसके पक्ष में और विपक्ष में हमने यहाँ पे अपने विचार रखे हैं। तो पक्ष में, जैसे पहले पक्ष में करते हैं उसके बाद विपक्ष में। तो पक्ष में मतलब कि मोबाइल फोन्स, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, पक्ष में कर रहे तो हम ये करेंगे भैया। ठीक है, कि मोबाइल फोन है जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मोबाइल फोनस की स्टूडेंट्स इन टच विद फैमिली एंड स्कूल्स, क्यों उपयोगी होती है? मोबाइल्स हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स को परिवार और स्कूल से कांटेक्ट में रखते हैं। किस में रखते हैं? टच में रखते हैं, उनसे एक संपर्क बनाए रखते हैं। इफ ए स्टूडेंट मीट्स विद एन एक्सीडेंट, अगर होता क्या है, जैसे किसी स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ उसकी जो इन्फॉर्मेशन, कुछ तो ऐप्स ऐसी होती हैं, कुछ ऐप्स होती हैं जिससे हम किसी नंबर को ऐड कर लेते हैं ऐप से, और जैसे ही हमारा मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो जिस नंबर को हमने ऐड कर रखा उस ऐप से, उन नंबर से हमारे द्वारा क्या होती है, तुरंत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच जाती है। जैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचती है वहाँ से जो भी नेसेसरी हेल्प हमारे हो पाती है वो हमें मिल जाती है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, इफ इंफॉर्मेशन कैन इमीडिएटली बी कन्वे टू द फैमिली, और अगर ऐप से नहीं भी होता तो मोबाइल जैसे देखते हैं उसमें पेरेंट्स के नंबर होते हैं, किस भी फैमिली मेम्बर को हम फोन करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत उसके पास कन्वे करेंगे, और जो आवश्यक है समय, आवश्यक समय पर जो हेल्प चाहिए वो उसको मिल जाती है। क्लियर है? मोबाइल्स हैव एजुकेटिंग एंड एंटरटेनिंग वैल्यू टू, साथ ही साथ आजकल मोबाइल्स में एजुकेटिंग, शिक्षा से संबंधित चीज़ें बहुत मिलती हैं आपको, और मनोरंजन से संबंधित चीज़ें भी बहुत आपको मिल जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोबाइल्स जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, उपयोगी है। अब यहाँ तो पक्ष का हो गया, अब हम विपक्ष का बोलते हैं। अगेंस्ट, मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, अगेन से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस टॉपिक को नोट में लेके जाएंगे कि मोबाइल जो है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है। मोबाइल्स डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो मोबाइल है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि मोबाइल्स
विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से हटाते हैं, जिससे कि हटाना या भंग करना, क्लियर है कि नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है प्रोविजन इस यूज इन क्लासरूम, और इसके वजह से राजस्थान सरकार ने कक्षा तक में इसके प्रयोग को क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। होता क्या है, क्यों किया है, मोबाइल रिंग्स ड्यूरिंग टीचिंग कॉजेज प्रॉब्लम्स, कि अगर पढ़ाई के दौरान, शिक्षण के दौरान अगर मोबाइल की रिंग बजती है तो उससे बाधाएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं, उससे बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो समस्याएं पैदा करता है, प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं, तो समस्याएं क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स एंटरटेन मोर विथ दिस इक्विपमेंट, अब ये जो साधन है, ये जो साधन है, इन यंत्रों के साथ पढ़ाई के बजाय स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट ज़्यादा करते हैं। एंटरटेनमेंट से आप समझ रहे हैं ना, मतलब वो जो मनोरंजन चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो मोबाइल्स में रिसोर्ट टू क्राइम, और भैया मोबाइल्स के यूज से ही मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे अपराध भी हो सकते हैं। दीज आर अननेसेसरी इकोनॉमिक बर्डन ऑन द पेरेंट्स, मोबाइल जो होते हैं ना माता पिता पे एक अनावश्यक रूप का आर्थिक बोझ होता है, बर्डन यानी बोझ, अननेसेसरी यानी अनावश्यक। थस वी कैन से मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोबाइल फोन से हैं वो विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट और यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक फोर एंड अगेंस्ट का एक क्वेश्चन, क्लियर है, उसका हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं इसका ही, ठीक है। चलिए हम अगला जो लेने वाले हैं वो विद्यालय प्रार्थना समय की बर्बादी, विद्यालय प्रार्थना समय की बर्बादी, ये हो गया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। School
प्रेयर इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पे ये लोग क्या बता रहे हैं, जो इसकी जो प्रार्थना है वो इस समय की बर्बादी है। इसके पक्ष और विपक्ष में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने तर्क रखने हैं, अपने तर्क प्रस्तुत करने हैं कि वास्तव में वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है या वो वास्तव में वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। ये चीज़ें हमको यहाँ पे अपने विचार रखने हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप इस क्वेश्चन को देखिए और नोट करना चाहें तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, उसके बाद रख दिया जाएगा इसको। चलिए तो ये हो गया है आपका। अभी हम क्या करते हैं, इसको रद्द कर देते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन को हम रद्द करते हैं, बता देते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले हम टॉपिक लिख देते हैं, प्रेयर इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे पहले हम इसके पक्ष में चलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज तो हम प्रूफ करेंगे इसको कैसे। दिस इज द एरा ऑफ साइंस। बात परफेक्ट है भैया, साइंस का युग है। किसका युग है? ये साइंस का युग है। एंड साइंस डज नॉट बिलीव इन प्रेयर। और भैया ये किसका एरा है? ये साइंस का युग है, विज्ञान का युग है, और विज्ञान जो है प्रार्थना में विश्वास नहीं करता है। ठीक है? सो स्कूल प्रेयर इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो स्कूल प्रेयर इज a वेस्टेज ऑफ टाइम। ये लीजिए कि इन्होंने अपनी बात को रख दिया कि भाई जो प्रेयर है उसको वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि विज्ञान का युग है और जो विज्ञान है वो प्रार्थना वगैरह में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है? और लीजिए जी, स्कूल प्रेयर डजंट, स्कूल प्रेयर डेवलप
पर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो स्कूल प्रेयर होती है ना, जो प्रार्थना होती है ना, वो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित नहीं करती है। किसको विकसित नहीं करती है? साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित नहीं करती है। इसीलिए क्या होता है कि आजकल विद्यार्थियों जो टीचर्स हैं इसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं। मोर ओवर नाउ और बेज स्टूडेंट्स एंड teachers take less interest in it। इसीलिए इन दिनों यानी आजकल इसीलिए इन दिनों क्या हो रहा है कि इसके अतिरिक्त आजकल विद्यार्थी और शिक्षक दोनों इसमें कम रुचि लेते है, यानी कि ये मान लीजिए है एक आवश्यक औपचारिकता बन गई है बस। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं इट हैज बिकम अननेसेसरी फॉर्मेलिटी, यानी कि हम इसे ये कह सकते हैं कि यह एक आवश्यक औपचारिकता बन गई है, कि मतलब इसकी औपचारिकता तो निभानी ही पड़ेगी। मतलब कहने का कि आपको भाई प्रार्थना तो करनी ही पड़ती है। दस स्कूल प्रेयर is a wasted time। इसलिए विद्यालय प्रार्थना एक समय की बर्बादी है। क्या है? समय की बर्बादी है। अब अगेंस्ट वाले क्या चाहते हैं? Prayer is not a wastage of time। ये भाई अब इन्होंने अपने पक्ष में इसके पक्ष में तर्क रखना स्टार्ट कर दिया कि नहीं आप गलत हैं। स्कूल प्रेयर जो है वो टाइम का वेस्टेज नहीं है। क्यों? हम भारतीय हैं वो आध्यात्मिक हैं। क्या है? स्पिरिचुअल है। वी इंडियंस आर स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। हम भारतीय क्या हैं? आध्यात्मिक हैं। ठीक है, blessings of goddess of knowledge। हम भारतीय आध्यात्मिक हैं और हम ज्ञान की देवी से आशीर्वाद लेने में विश्वास करते हैं। हम क्या करते हैं? हम भारतीय आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक होने के कारण
हम ज्ञान की देवी का आशीर्वाद लेने में विश्वास करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक की चीज। चलिए प्रेयर इन्फ्लुएंस इन इट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, इसमें बहुत सारी गतिविधियां शामिल होती हैं। देखिए बहुत सारी स्कूलें ऐसी होती हैं जिनमें प्रार्थना के दौरान प्रार्थना तो बोली जाती है, उसके साथ साथ बहुत सारी गतिविधियां भी होती हैं, जैसे अखबार वाचन किया जाता है वहां पे, ये जो समाचार वादन होता है, ठीक है, उसके साथ साथ वहां पे जिनका जो मतलब उचित विचार होता है उसके बारे में होता है, थॉट ऑफ द डे, ठीक है। Explaining of thought of the day, दिन का शुभ विचार है उसका वर्णन वहां पे किया जाता है। Marking of attendance of the students, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां वहां पे की जाती है। क्लियर है, thus we can say school prayer is not a wastage of time, ठीक है। ये हो गया आपका गुस्सा। यहाँ पे हमने कि विद्यालय प्रार्थना जो है एक समय की बर्बादी है, उसके यहाँ पे हमने पक्ष में तर्क दिए कि हाँ भाई समय की बर्बादी है, उसके पक्ष में देखिए हाँ भाई विज्ञान का युग है, विज्ञान किसी भी प्रकार से प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जो प्रार्थनाएं होती है वो स्टेज का टाइम है, समय की बर्बादी है। स्कूल प्रार्थनाएं जो है विद्यार्थी में साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त आजकल विद्यार्थी और टीचर जो है वो भी प्रार्थना में कम रुचि ले रहे हैं, ये एक आवश्यक औपचारिकता बन चुकी है। दस स्कूल प्रेयर जो बच्चे जो टाइम, इसलिए स्कूल प्रेयर है, स्कूल की प्रार्थना जो है वो समय की बर्बादी है। अगेंस्ट में तो ये था विपक्ष में कि भैया स्कूल प्रेयर है जो पहली बार तो ये कि उसकी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि भाई हम भारतीय स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और हम ज्ञान की जो देवी है सरस्वती माता उनसे आशीर्वाद लेने में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ये हमारा मोर होता है कि हम विश्वास करते हैं। और इसके अतिरिक्त स्कूल प्रेयर होती है उसमें बहुत सारी गतिविधियां और भी शामिल होती हैं, जैसे अखबार वाचन, थॉट ऑफ द डे, गुड मॉर्निंग टुडेज थॉट बोलते हैं ना प्रार्थना में, तो वो थॉट ऑफ द डे, अटेंडेंस आदि चीज़ें वहाँ पे की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रार्थना एक समय की बर्बादी नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ ये जो टॉपिक आज पढ़ाया गया है
फोर और अगेंस्ट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स फोर एंड अगेंस्ट तो ऑफ ए टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी प्रॉब्लम या समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय डाल सकते हैं, वहाँ से आपको समाधान कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।